नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने गुरुवार को प्रॉपर्टी के रेट में 14% का इजाफा कर दिया है। इससे नोएडा में रेजिडेंशियल प्लॉट से लेकर फ्लैट्स और इंडस्ट्रियल प्लॉट महंगे हो गए हैं। नोएडा में अपने घर का सपना संजोए लोगों को नोएडा अथॉरिटी ने जोर का झटका दिया है। अथॉरिटी ने गुरुवार को कमर्शियल प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी सभी प्रॉपर्टी के रेट करीब 14.19% बढ़ा दिए हैं। यानी रेजिडेंशियल प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट, मकान और इंडस्ट्रियल इलाके में जमीन खरीदना महंगा हो गया है। बढ़ी हुई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इससे पहले नोएडा में 1 अप्रैल 2015 को प्रॉपर्टी के रेट 18.4% बढ़े थे। इस तरह पिछले साल से लेकर अब तक नोएडा की प्रॉपर्टी करीब 33% महंगी हो गई है। जो आप एक प्राइसिंग जो अचीव कर चुके थे ये सेक्टर्स, जो हम नोएडा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जो ए कैटेगरी के सेक्टर्स जो प्राइसिंग अचीव कर चुके थे उससे नीचे में माल बिक रहा है, तो आज की डेट में उसको बढ़ाने का कोई इसमें लॉजिक नहीं समझ आया। इट वुड एड ऑन टू द स्लो डाउन, जो स्लो डाउन है मार्केट में उसको ये एड ऑन करेगा। जो सिचुएशन है जिसको हम एंटिसिपेट करते थे कि नई गवर्नमेंट आएगी, पॉजिटिव रियल एस्टेट के लिए आएगा, इतनी मेजोरिटी में गवर्नमेंट आई, तो वो चीज सामने नहीं आ पाई। इसके साथ ही अथॉरिटी अब अलॉट होने वाली प्रॉपर्टी पर लीज रेंट और ट्रांसफर चार्ज नए रेट के हिसाब से वसूलेगी। अब ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट 47,891 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से लेकर 1,26,750 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के बीच होंगे। रेजिडेंशियल प्लॉट के रेट 39,441 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से लेकर 92,950 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के बीच होंगे। अथॉरिटी के इस फैसले से फ्लैट की कीमत भी बढ़ेगी। इसका असर कम आय वाले लोगों के लिए बनाई गई समाजवादी आवासीय योजना के फ्लैटों पर भी पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टाइमिंग है ये इसलिए गलत है कि सारे होम बायर्स ऑलरेडी, जिन लोगों ने पूरे पूरे पेमेंट दे रखे हैं, वो दो दो साल से, तीन तीन साल से बेचारे धक्के खा रहे हैं। उनको ना एक तरफ जगह मिल रही है और ना उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट मिल रहे हैं, और ऐसे टाइम के ऊपर कि जब लोगों के घाव खुले हुए हैं, उस टाइम के ऊपर ये जो रेट की इंक्रीज है ये नमक छिड़कने के जैसी है। जमीन महंगी होने से स्कूल कॉलेज के लिए जमीन महंगी हो जाएगी, क्योंकि इनकी दरें सेक्टर रेट से जुड़ी हुई हैं। रेट बढ़ने से सिर्फ नए आवंटित होने वाले प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब सर्कल रेट बढ़ाने की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया।